संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। तो बिहार में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाली है एजुकेशनल फील्ड को लेकर। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा और कैसा आएगा, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इंटर के अभ्यर्थियों को जैसा लाभ मिला है, क्या वैसा ही लाभ यहाँ पे मैट्रिक के कैंडिडेट यानी कि 10th पास कैंडिडेट को भी मिलेगा, तो चलिए वो जानते हैं क्या है फायदे जो कि आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं NTPC RRB की तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस पर डे दी जाती है आपको उसके चैप्टर वाइज, और उसका PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अलावा पर डे आपको मॉर्निंग आवर में करेंट अफेयर की क्लास दे दी जाती है, उसके साथ साथ उसका PDF भी आपको यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इन तीनों वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों बिहार मैट्रिक के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों आज की खबर है हिंदुस्तान में छपा है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2019 में जो BSEB के तहत जो 10th का रिजल्ट आने वाला है वो बेहतर आने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि जो जैसा कि अभी 12th का रिजल्ट आया था 30 तारीख को, उसमें बहुत सारे करीबन 79% कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। तो एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गया है यहाँ पे इंटर का। तो अब ये विश्वास जताया जा रहा है कि यहाँ पे शायद मैट्रिक का भी रिजल्ट कुछ अच्छा यूं ही आ जाए। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर 2019 अच्छा आने में उम्मीद जताई जा रही है, और 30 अप्रैल को घोषित हुए इंटर का रिजल्ट उसके मुकाबले 5% और फर्स्ट डिवीजन के उम्मीदवारों की तादाद जो है वो बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। जहां पिछले साल सिर्फ 52% रिजल्ट हुआ था, वहीं इस बार 79% रिजल्ट हुए हैं। और बिहार बोर्ड मैट्रिक 2018 की परीक्षा में कुल 68.89% विद्यार्थी पास हुए थे, इस बार रिजल्ट का आंकड़ा उससे ऊपर जा सकता है। बताया जा रहा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB में 10th यानी कि 10वीं मैट्रिक का रिजल्ट एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये बोला जा रहा है कि आपका एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, पर ये आपका रिजल्ट आएगा कल, यानी कि आपको 5 तारीख को इसका रिजल्ट यहाँ पे डाला जाएगा। उसका कारण मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे ये जानकारी यहाँ पे ये इन्होंने दी है। ठीक है, 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी को समाप्त हो गई थी आपको पता है, और सूत्रों के मुताबिक बताएं तो यहाँ पे रिजल्ट अगले कुछ दिनों में जारी भी कर दिया जाएगा। ये भी सभी को पता है, जब एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो आएगा ही, हमें उम्मीद है कि रिजल्ट एक सप्ताह के भीतर आ जाएगा। यहाँ पे तो एक सप्ताह की बात की जा रही है, पर यहाँ पे आपको 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, नीचे थोड़ा आइएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन कही गई है कि 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच भरा जा सकता है कंपार्टमेंटल का एग्जाम का यहाँ पे अपना, जिस भी लड़के का यहाँ पे कैंडिडेट का अगर फॉर्म कोई पेपर रुकता है तो 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक उसका यहाँ पे फॉर्म भरा जा सकता है कंपार्टमेंटल का। तो जब रिजल्ट आएगा तब तो पता चलेगा किसी का कि इसका कंपार्ट लगा है या नहीं लगा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे कल यानी कि 5 तारीख को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, किसका, तो 10th का। ओके, अब जो फायदा की बात हमने की है कि 12th वालों को क्या फायदा मिला है यहाँ पे, तो उसके बारे में जानिएगा। तो जो फायदा मिलने वाला था दोस्तों, देखो इंटर वाले कैंडिडेट को क्या है कि इंटर परीक्षा से वंचित जो छात्र को मिलेगा एक विशेष परीक्षा में बैठने का मौका। तो ये स्पेशल एग्जाम होगा उनका, अगर उनका एग्जाम कोई छूट गया है तो। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटर परीक्षा में वंचित छात्रों को विशेष परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, कंपार्टमेंटल परीक्षा के साथ ही विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, और परीक्षा के लिए 5 अप्रैल से फॉर्म भी भरे जाएंगे। विशेष परीक्षा के लिए विस्तृत जानकारी के लिए बिहार बोर्ड की ओर से जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और बिहार बोर्ड के अनुसार वैसे अभ्यर्थी जो कि इंटर परीक्षा 2019 के लिए फॉर्म भर चुके थे लेकिन वो अपने कॉलेज स्कूल द्वारा आयोजित सेंटर्स पे अप परीक्षा में या तो अनुपस्थित रहे हो या फेल हो गए हो, उनके लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो ये स्पेशल एग्जाम हो रहा उनके लिए, जो छात्र यहाँ पे एग्जाम मिस कर गए हैं या फिर वो किसी पेपर में फेल हो गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करते समय प्रोसेसिंग चार्ज ₹70 देने होंगे हर पेपर के लिए। इस परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी जो हैं वो रिजल्ट की परीक्षा की तरह डिवीजन में प्रकाशित किया जाएगा और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को भी यह व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों यहाँ पे कि मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए भी यह व्यवस्था की जाएगी। तो अगर मैट्रिक में आपका कोई भी पेपर छूट गया हो तो आप उसका एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं और आपका जो रिजल्ट आएगा इसी मेन रिजल्ट में बन के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अब अगले 6 महीने या अगले साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि उसका भी लेट हो, ऐसा नहीं होगा। इस बार बिहार सरकार पूरी सशक्तता से ये रिजल्ट 10th और 12th का दे रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जानकारी देनी थी, आप तक पहुँचानी थी हमें सबसे पहले यहाँ पे, और कल आ सकता है आपका रिजल्ट 10th का। तो तैयार रहिएगा और कॉन्फिडेंस रहिएगा, पास तो होना ही है क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और अगर किसी कारणवश कोई रिजल्ट किसी का रुकता है तो आप डीमोटिवेट मत होइएगा। आप लोग अपने जो आपके माँ बाप हैं उनका एक बार चेहरा सोचिएगा और एक बार और ट्राई कीजिएगा। अगर वो फेल होते हैं तो ₹70 की तो बात है यार, ₹70 देना है और फिर से एक बार और एग्ज़ाम देके पास हो जाना और इसी सत्र में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अलग से कोई कंपार्ट का रिजल्ट आपका नहीं शो करेगा रिजल्ट में भी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक अच्छी व्यवस्था दी गई है यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सारी जानकारी जो है मैं आपको समझा पाया हूँ, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, मिलते रहिएगा। अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन के वीडियो आने वाले हैं आपके लिए आज, तो बने रहिएगा साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।